बिना नाम बिना उसका डिस्क्रिप्शन जाने तो क्वेश्चन बनेगा नहीं. टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं. तो ये 52 कार्ड हैं आप लोग के पास में. ये 52 कार्ड आप लोग के सामने ला दिया. अब ये 52 कार्ड में आपको पूरा डिटेल बता सकता हूं. सुनो इसमें देखो, ये कुछ देखो, अब आपको जल्दी जल्दी बताता हूं यार. इसमें ये जो है एस कहलाता है. क्या कहलाता है? इक्का. हिंदी में भी नाम समझ जाना, इक्का यानी एस. कितने डिजाइन है देखो इसमें? 4. इसमें से 2 कार्ड जो है वो रेड है और 2 कार्ड जो है वो ब्लैक है. बैकग्राउंड व्हाइट है ऑफ कोर्स. यार एक बात समझोगे, ये एस जो होते हैं वो 4 एस हैं, 2 ऑब्वियसली रेड और 2 ब्लैक. ये नाम मैं पूरा डिटेल नोट करा दूंगा, पहले सीख लो समझ जाओ. जिनको नहीं पता है उनके लिए, और जिनको पता है ना प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए. क्योंकि मैं बताऊं, जितने स्टूडेंट को लगता है ना कि उनको प्लेइंग कार्ड के बारे में सब कुछ पता है, उनको कुछ नहीं पता है. अभी उनकी गलतफहमी दूर होगी. अभी एक तो कर ही दिए जवाब गलत, कितने कलर तो 4. सुनिए, ये जो 4 कार्ड है, फिर से इसमें 2 रेड और 2 ब्लैक. इसमें देखिए 2 ब्लैक है और 2 रेड है. के लिखा है, ये कहलाता है किंग. किंग यानी बादशाह. उसके बाद देखिए इसमें फेस है, बना हुआ है चेहरा, तो इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं. कुछ नाम सुनते जाइए, लिखने का काम मैं करवा दूंगा, पहले इधर देखना. तो ये फेस कार्ड कहलाते हैं ये 4. एस इक्का जो होता है वो फेस कार्ड नहीं है, उसमें चेहरा नहीं बना है. इसमें मेल फेस बना हुआ है, एक राजा का चेहरा जैसा बनाया हुआ है. उसके बाद यहां पर 4 आपको फीमेल फेस दिखेंगे, इसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड. तो ऑब्वियसली 2 ब्लैक और 2 रेड ये फीमेल फेस कार्ड है, इनको बोलते हैं क्वीन या बेगम. ओके. और उसके बाद जैक, इसका नाम होता है जैक. एक फिर से मेल फेस कार्ड होता है, ये भी 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक. तो ये जो है मेल फेस कार्ड जो यहां पर अब इसमें आपको दिखाई देगा, ये मेल फेस कार्ड आपको टोटल कितने मिल गए? 8. 8 मेल फेस कार्ड मिले आपको. कौन कौन से? 4 किंग और 4 जैक. जैक का एक और नाम होता है नेव, KNAVE, नेव. ध्यान देना, ये नाम नहीं जानते बहुत सारे लोग. तो टोटल फेस कार्ड कितने? 12. टोटल मेल फेस कार्ड कितने? 8. टोटल फीमेल फेस कार्ड? टोटल ब्लैक फेस कार्ड? 2, 2, 4, 2, 6. ब्लैक भी और फेस कार्ड भी. ये हुआ ना 2 ब्लैक, यहां 2 ब्लैक क्वीन, 2 ब्लैक जैक. तो आपको ये सब वर्ड्स आएंगे, ब्लैक कार्ड, फेस कार्ड, फीमेल फेस कार्ड, मेल फेस कार्ड, और ऐसा और वैसा. ये एस कहलाता है, किंग है, क्वीन है, जैक है. उसके बाद जो कार्ड्स आते हैं ना, उनके जनरल नाम नेमिंग होते हैं. जैसे ये कहलाता है अ कार्ड ऑफ 2 लिखा हुआ है, कार्ड ऑफ 3, अ कार्ड ऑफ 4, अ कार्ड ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, कहां तक जाएगा? 10 तक जाता है. 10 के बाद 11, 12 नहीं होता. ये जो जैक है ना, ये एक्चुअल में यही इक्विवेलेंट टू 11. क्वीन जो है वो 12, किंग जो है वो 13, और हर कार्ड 4-4, तो टोटल 13 × 4 यानी 52 कार्ड. कलर कितने? 2 रेड और ब्लैक. डिजाइन कितने? 4. डिजाइन के नाम है, सुनो ना. अब ये आप लोग को अब थोड़ा सा, आप लोग को थोड़ा सा ना मैं अब कुछ और समझाता हूं. आप लोग को लग रहा है कि आप लोग सब जानते हो. सुनो, इधर देखो मेरी तरफ. ओह शिट, अरे संभाल के रखना है, अगली बैच में भी पढ़ाना है. चलो देखो, ध्यान दो प्लीज. सबको पता है कार्ड के बारे में. अब मेरी बात सुनना ध्यान से. सबको पता है कार्ड के बारे में, लेकिन इतना मैं श्योर करता हूं कि आप मेरे पास पढ़ेंगे, एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई करते हैं, मैं अगर मैथ्स पढ़ाता हूं तो हमेशा आपको कुछ स्पेशल, कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा. इसीलिए बोलता हूं, जिनको लगता है कि मुझे मैथ्स आता है, क्लास जरूर अटेंड कीजिए, क्या पता थोड़ा सा कुछ नया ही सीख के जाओगे. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने गेम बनाया,
जिस व्यक्ति ने खेल बनाया, कोई तो बनाया होगा, कहीं तो कहीं जगह पे बना होगा, तो ये खेल जब बना तो उसने 52 कार्ड ही क्यों लिए, राउंड अप 50 क्यों नहीं ले लिए, 60 क्यों नहीं लिए, चार ही डिजाइन क्यों लिए, 50 कार्ड लेता 5 डिजाइन बनाता, चार ही क्यों बनाया, और अगर चार डिजाइन है तो चार कलर लेना चाहिए था, बढ़िया, रेड ग्रीन ब्लू। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत ऑस्ट्रेलिया चीन जापान इंग्लैंड, किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंपनी का आप कार्ड खरीद लीजिए, महंगे से महंगा चाहे सस्ते से सस्ता, आपको दो ही कलर मिलेगा कार्ड में, एक रेड और एक ब्लैक, ये भी नहीं कि कोई और कलर। प्लीज गर्ल्स, किसी शॉप में जाके भैया पिंक वाला है क्या, नहीं बोल रहा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज वापस पढ़ाई पे जल्दी से आ जाओ। गर्ल्स मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए, उस दिन गाड़ी चलाने वाली बात भी हो गई थी, आज ये भी हो गई, किसी दिन तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं मेरे को। अब चलो ध्यान देना, तुम्हारी बारी भी आएगी अभी कुछ दिनों में, रुको, बॉयस लोग भी अभी आज ही आनी चाहिए, पहले समझा लें तो फिर आती है, अब रुको, अब तुम लोग ध्यान दो, बदले की भावना जाग गई है यार। चलो देखो वापस पढ़ाई पे आ जाओ। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि यार एक जमाना था, थोड़ा सा वापस आते हैं अपन मुद्दे पे, एक जमाना था जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, मोबाइल तो दूर की बात है, टीवी रेडियो कुछ नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, राजा महाराजाओं का जमाना था। अब राजा महाराजाओं का जमाना था तो उस समय राजा महाराजा जो थे उनके बच्चे राजकुमार एंड राजकुमारियां, किसी को सुबह उठ के एक्सेल जाना है तो था नहीं, है ना, पड़े हैं सोए, तो रात भर पंखे उनको करने वाले दो तीन नौकर चाकर आगे पीछे हैं, और उसके बाद भी सुबह वो जल्दी नहीं उठेंगे, उनको चार छह लोग तो उठाने के लिए रखे जाते थे, वो हाथ पर हिला के उठो राजा, उठो राजकुमार, उठो महारानी, उठो राजकुमारी, नहीं मुझे और सोने दो, पलट के इधर सो गई, अब इधर उठाए तो पलट के थोड़ा सा और सोने दो, इधर सो गई। आप लोग अभी अलार्म बंद करके ऐसी करते हो, हाँ सब राजकुमार राजकुमारी हो मुझे पता है। अब बड़ी मुश्किल से ले दे करके उठाया जाता था उनको, उसके बाद फिर चार लोग, दो लोग हाथ पकड़ते थे, दो लोग पैर ले जाके टब में डाल देते थे, एक टब में पानी भरा हुआ है, गुलाब के पत्ते, थोड़ा सा इत्र। तुम लोग क्यों खुश हो, तुम लोग को कहाँ है ये नसीब है, तुम लोग को थोड़ी नसीब है ये सब, खुश हो रहे हो जबरदस्ती का, तुम लोग को हफ्ते में वैसे भी दो चार दिन कभी कभार नहा लेते हो, दो दिन से पिछले बारिश हुई है तो उसी में नहाना हो गया है आप लोग का, तो ख्वाब देख रहे हो टब में नहाने का है। अब वो जो है वो टब में डुबा दिया गया, यहां तक डूबे हुए पड़े हुए, चार लोग इधर मालिश कर रहे हैं, चार लोग इधर मालिश कर रहे हैं, घंटों पड़े हुए टब में नहाते। अब उसके बाद ऐसा है कि चलो भाई अब हो गया टाइम, खाना वाना तैयार है क्या, हाँ ठीक है, तो उनको ले जाके उठा के ले गए, कपड़े उपड़े पहना के बिठा दिए खाने पे, यहां 50 किस्म के पकवान रखे हुए, कोई ये खा लिए थोड़ा सा, ये खाए, किसने बनाया, इसने बनाया, नमक कम है जेल में डालो, ये खाए थोड़ा सा, ये खा लिए थोड़ा सा, ये कौन बनाया पहले बताओ, अच्छा लगा कि नहीं, बहुत अच्छा बनाए, किसने बनाया, इसने बनाया, ये लो अंगूठी, ये अच्छा खाना बनाया, इसका खाना पसंद आया, ये लो हीरो का हार, बस कैसे भी करके तीन चार बजा दिए। अब तीन चार बजा दिए, उसके बाद राजा रानी महाराजा बच्चे सब बैठे हुए हैं, उन लोग एंटरटेनमेंट कुछ होना चाहिए, तो बोले व्हाट्सएप कहाँ है, बोले सर लॉन्च नहीं हुआ है अभी, अरे यार बोर हो रहा हूं मैं, पबजी वगैरह, सर नहीं हुआ है अभी लॉन्च, समझा करो, कोई लाइव टेलीकास्ट देखो, मैच वैच आ रहा है क्या, इंडिया वेस्ट इंडीज वगैरह, अरे सर अभी तो कहाँ टीवी वगैरह अभी तो बना नहीं है, अभी पुराने जमाने में हो, सोचा करो आप, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप ये सब डिमांड करते हो, अभी नहीं बना ये सब, तो क्या करें, आखिर कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो क्या करें, बोले अरे वो फलाने स्टेट से यहां से वहां से एक सिंगर आया है, बुला उसको, चलो गाना गा दे, गाना गाया, अच्छा गाना नहीं गाता ये, अंदर डालो इसको, और कोई अच्छा गाना गा दिया, ये लो पैसे, हीरे जवाहरात दे दिए,
कोई डांस किया, पसंद आ गया डांस, दे दो पैसे खूब सारे। राजा का एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो राजा को उस समय खुश करना, लोगों का मकसद था राजा को खुश रखना। अब राजा को खुश रखना है तो राजा को खुश रखने के बहुत सारे तरीके सोचे जाते थे। हर कोई चाहता था हम राजा का फेवरेट बने। उस जमाने में मैंने जो जितनी बातें कही हैं कि पबजी नहीं था से लेकर के ये वो, तो आखिर उस समय के खेल क्या होते थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब नहीं था, वीडियो गेम नहीं थे। उनके राजकुमार राजकुमारियों के पास PS3 PS4 प्लेस्टेशन नहीं था। तो उस जमाने में जो खेल बनाए जाते थे, वो जो खेल थे ना, वो उस जमाने के बनाए हुए खेल, ये प्लेइंग कार्ड एक खेल है। अब इस खेल को जो बनाने वाला था, सुनिए, आपने देखा है मूवी बाहुबली, पूरे मूवी में शुरू से आखिरी तक क्या है? लड़ाई झगड़ा। उस जमाने राजा महाराजाओं के दिमाग में केवल दो ही चीजें चलती थी, एक तो ये कि हम कैसे किसी दूसरे स्टेट पे हमला करके उसको हड़प ले, और दूसरा ये कि कोई हमारे स्टेट पे हमला करके हमको ना हड़प ले, यानी फुल टाइम लड़ाई झगड़ा। उस समय जितनी जनता होती थी, प्रजा, उन लोगों को कंपल्सरी किया जाता था, कोई खेती कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई ये है, कोई वो है, भैया 2 घंटा कंपल्सरी है, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आर्मी ट्रेनिंग, अस्त्र शस्त्र चलाना, तलवार चलाना सीखना पड़ेगा। तो ऑफ सीजन में, यू नो, लड़ाई झगड़ा जब नहीं है तब आप अपना काम करिए ऑफ सीजन में, और जब लड़ाई झगड़ा आया तो फिर चलो आप ही हमारी क्या हो जाओगे, सेना बन जाते, वही पूरी सेना आ जाती है लड़ने के लिए। तो उस समय देखो, मेरी जितनी बातें थी कहीं कहानी नहीं है, सच्चाई है। मैंने जो बोला कि उस समय के राजा महाराजाओं के बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, ऐसे कॉलेज नहीं जाना है जैसे आप कोचिंग पढ़ने आ रहे हो, वैसा सिस्टम नहीं था। तो आखिर पूरे साल भर राजा महाराजा करते क्या थे? लड़ाई झगड़ा, केवल लड़ाई झगड़ा मेन मुद्दा रहता था उस समय। तो पूरे साल भर, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, इसलिए 52 कार्ड बनाए गए। इमेजिन किया गया कि पूरे वर्ल्ड में 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में 4 किंग, एक नॉर्थ का किंग, एक साउथ का, एक ईस्ट का और एक वेस्ट का, इसलिए 4 किंग बनाए गए। ऑब्वियसली अगर 4 किंग हैं तो उनकी रानियां होंगी। अब एक 4 किंग हैं, 4 रानियां हैं, तो उनके घर में नौकर होगा कि नहीं? तो कौन? जैक, गुलाम, जो उनका नौकर था। तो किंग क्या हुआ? राजा। 4 डायरेक्शन, 4 किंग क्यों बनाए गए? इसलिए ऑब्वियसली 4 महारानी हैं, 4 नौकर हैं, हो गया किंग, क्वीन और जैक। ए से लेकर के, यानी 1 से लेकर 10 तक उसकी क्या है? सेनाएं हैं। सेना में एक सेनापति होता है, एस, और बहुत सारे खेल में और युद्ध में यह माना जाता है कि सेनापति मर गया, लगभग सेना हार गई। एस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, एस इतना इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे गेम में, किंग से भी ज्यादा, के से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये पूरा कायदे से एक प्लेइंग कार्ड जो बनाया गया, ये क्या बनाया गया है? एक पूरा युद्ध का मैदान दिखाया जाता है, ये पूरा एक सीन क्रिएट किया गया है कि ऐसे ऐसे हैं, अगर 4 लोग ये गेम खेल रहे हैं, मतलब 4 लोग के बीच लड़ाई हो रही है, ऑब्वियसली लड़ाई हो रही है, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। यार कोई जीते चाहे कोई हारे, युद्ध का 2 ही परिणाम होता है, या तो कोई जिंदा वापस आएगा और या तो मर जाएगा। जो जिंदा वापस आता है उसके घर में खुशियां मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, रेड कलर जीत या चार्म का प्रतीक है। चाहे कोई राजा जीत ही क्यों ना जाए, पर उस राजा के जितने सैनिक मारे गए हैं उनके घर में तो दुख का माहौल रहता है, किसी ने भाई खो दिया, किसी ने पिता खो दिया, किसी ने, तो ये जो जिसके घर में डेथ हो जाती है उनके घर दुख का माहौल रहता है। यानी युद्ध के 2 ही परिणाम है, सुख और दुख। ब्लैक कलर दुख का प्रतीक माना जाता है, इसलिए रेड और ब्लैक ही कलर यूज किया गया है ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। जैसे हमारे भारत देश का झंडा है, अब कोई क्वेश्चन पूछे ऑरेंज ही क्यों, दैट इज केसरिया, बेसिकली ऑरेंज गलत वर्ड है वहां पे, और व्हाइट ही क्यों, ग्रीन ही क्यों, तो सबका डिस्क्रिप्शन है ना, ऐसा ही क्यों, तो उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो रेड और ब्लैक का कॉन्सेप्ट है कि यही कलर क्यों। अच्छा, ये डिजाइन बनाए गए हैं, ये डिजाइन के नाम है, ये जो डिजाइन होता है इसको बोलते हैं क्लब, चिड़ी, ये जो डिजाइन है इसको बोलते हैं डायमंड, ईट, ये जो डिजाइन है बोलते हैं स्पेड, हुकुम, और एक होता है ये हार्ट, हार्ट कार्ड का मतलब दिल का पत्ता नहीं, पान का पत्ता। तो इसमें
ये जो चार डिजाइन बनाए गए, आखिर आप बोलेंगे इसमें भी कोई सवाल उठा सकता है कि ऐसे ही डिजाइन क्यों? तो भाई ये चारों स्टेट के ना फ्लैग डिजाइन है। आपने मूवी देखा है बाहुबली, तो माहिष्मती का फ्लैग था, एक डिजाइन था, ऑरेंज कलर का था, ऐसा था, और वो कालके का फ्लैग था, काला रंग का, खोपड़ी बनाऊंगा। तो भाई फ्लैग डिजाइन है ना, उसमें कोई सवाल उठाएगा ऐसा ही डिजाइन क्यों? वैसे तो अपन बोल सकते हैं कि भारत देश का झंडा है तो ऐसा ही क्यों? भाई उस समय जो ऑथराइज्ड लोग थे, उस समय जिनको ये पावर था, जो देश के कर्णधार थे, उन्होंने जो डिसाइड किया वो बना दिए। तो जिस व्यक्ति ने प्लेइंग कार्ड बनाया उसने ये डिजाइन रख लिया, उसमें क्या दिक्कत है अपने हिसाब से? तो ये चारों डिजाइन उनके फ्लैग डिजाइन है। दो ही कलर इसलिए है क्योंकि दो परिणाम है, सुख या दुख की बात होती है। 52 कार्ड, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, चार ही क्यों? चार दिशाएं, चारों किंग, ये एक इमेजिनेशन लिया गया है। ये पूरा प्लेइंग कार्ड एक डिटेल, एक डिस्क्रिप्शन बनाया गया, इस तरीके से बनाया गया। कितने लोगों को लगता था, मुझे तो प्लेइंग कार्ड के बारे में सब कुछ पता है। यार जिंदगी में कितना भी सीख जाओ कम होता है। कभी मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे भी नहीं आता है सब कुछ, और भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में सीखने की। बहुत सारे लोग, आप लोग चेस खेलते हो, चैंपियन हो गए बहुत सारे लोग तो चेस के। चेस में व्हाइट और ब्लैक ही क्यों? क्योंकि लड़ाई हमेशा दो लोगों के बीच होती है, एक अच्छे और एक बुरे। कभी दो अच्छे के बीच लड़ाई होती है? कभी दो बुरे के बीच भी नहीं होती, वो दोनों एक हो जाते हैं। एक कहावत भी है, चोर चोर मौसेरे भाई, होते हैं ना। तो एक अच्छे और एक बुरे के बीच लड़ाई होती है, आप इतिहास गवाह है, देख लीजिए, राम रावण के बीच युद्ध हुआ, कृष्ण कंस के बीच युद्ध हुआ। तो एक व्हाइट हमेशा अच्छे को प्रतीक माना जाता है और ब्लैक हमेशा बुरे या गंदे का प्रतीक माना जाता है। उनके बीच लड़ाई होती है, ऑब्वियसली कोई जीतेगा कोई हारेगा, कभी अच्छा जीत गया कभी बुरा, वो मैटर नहीं करता। आप लोगों के लिए आज का एक क्वेश्चन है, जितने लोग चेस स्पेशली बहुत प्यार करते हैं चेस गेम से, 8x8 का ही ब्लॉक क्यों बनाया गया? 10x10 क्यों नहीं? 7x7 क्यों नहीं? 9x9 क्यों नहीं? कुछ तो सोच के बनाया गया होगा, 8x8 का ही ब्लॉक बना था। आप चेस को भी देख लीजिए, यह भी पुराने जमाने का गेम है। जब चेस बोर्ड रखा रहता है सामने, बिल्कुल वैसा सीन रहता है जैसे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं गेम, तो ऐसे लगता है जैसे सेनाएं आके युद्ध कर रही है। ये पुराने जमाने की गेम है, उस जमाने में यही गेम चलता था, क्योंकि दिमाग में टोटल टाइम यही चलता था, लड़ाई झगड़ा। कार्ड इज टेकन आउट, इफ वन कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, If one card is taken out from a pack of cards, obviously 52 cards hai, then what is the probability of getting? Then what is the probability of getting? देखो, यदि ताश की गड्डी से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, यदि ताश की गड्डी से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, यदि ताश की गड्डी से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि ताश की गड्डी से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि, क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन, इट इज अ रेड कार्ड, वह लाल रंग का पत्ता हो, लाल रंग का पत्ता हो, आंसर ठीक है। किसी स्टूडेंट को समझना है तो बताइए। चलो देखो, ध्यान देना, तो 26x52, 26 कैसे, 13 रेड कौन सा हार्ट वाला, और 13 रेड कौन सा डायमंड वाला, तो ये 26 कार्ड जो है वो कह रहे हैं कि सर हम आपके फेवर में, यू नो फेवर, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। अपन हमेशा प्रॉपर्टी को ऐसा लिखते हैं, जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सेकेंड क्वेश्चन लिखना इसमें, लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स आंसर 12x52 लिखिए, 12x52, 12x52 हिंदी में समझ में आया? चित्र वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, चित्र वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, तो 12x52 इसमें आपका जैक क्वीन और किंग, जैक क्वीन और किंग, जैक क्वीन किंग,
जैक, क्वीन और किंग, ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग, तो ये लिख लिए, मैं बार बार बोलूंगा जरूर व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग, बट यहां तक अपन लिख चुके हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग, सीधे अपने को लिखना है गेटिंग। अ फेस कार्ड और एन एस, अ फेस कार्ड, लिखो लिखो, आंसर देने की हड़बड़ी मत करो ना, पहले क्वेश्चन लिखा करो। हाँ ओके, अ फेस कार्ड और एन एस, और वर्ड को हाईलाइट करना, और वर्ड को हाईलाइट करना, अ फेस कार्ड और एन एस, हिंदी में चित्र वाला पत्ता या इक्का, या शब्द को हाईलाइट करना, चित्र वाला पत्ता या इक्का, तो चित्र वाला पत्ता और या फिर इक्का, और का मतलब यह है कि या तो फिर फेस कार्ड निकलेगा या तो एस निकलेगा। लुक एट मी, ये 52 कार्ड्स है, ये सारे फेस कार्ड्स 3, 3, 6, 3, 9, 12, ये सारे फेस कार्ड्स मुझे शर्त जिता सकते हैं, और का मतलब है ये चारों एस भी मुझे शर्त जिता सकते हैं। तो ये पूरे 52 कार्ड्स आपके सामने, आप इसमें से बात कर सकते हो कि भैया ये कार्ड्स निकलेंगे तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और ये कार्ड निकलेगा तो मैं हार जाऊंगा, बस इतना ही तो काम करना है। ये सारे फेस कार्ड मुझे शर्त जिता सकते हैं, या फिर इक्का आएगा तो भी, और वर्ड है, या फिर इक्का आएगा तो भी मैं शर्त जीत सकता हूं। तो ये चार, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और ये चार, कितने, 16 कार्ड्स मुझे शर्त जिता सकते हैं, तो आंसर आएगा 16 बाय 52।